दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल एडी रूट्स में। तो यहाँ पर हम अमेज़ॉन की डील्स देखने वाले हैं कि कौन से स्मार्टफोन्स पर कैसी डील्स आपको देखने को मिलेगी। तो बेसिकली हम यहाँ पर मेन जो फोकस रहेगा वो है सैमसंग की जो एम सीरीज़ है उस पर। तो सबसे पहले जैसे ही आप यहाँ पर सेल वाले पोस्टर पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्राइम मेंबरशिप के लिए यहाँ पर पहले ही सेल स्टार्ट हो जाएगी, एंड जो नॉन प्राइम मेंबर है उनके लिए तो 3 तारीख से देखने को मिलती है। बाकी जैसे ही स्मार्टफोन वाले सेक्शन में आप जाएंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे सबसे पहले वन प्लस की डील्स। तो वन प्लस की डील्स दोस्तों काफ़ी पहले यहाँ पर हो चुकी है रिवील्ड, तो इससे ज़्यादा हम बात नहीं करने वाले हैं। चलते हैं नीचे और सैमसंग एम सीरीज़ को यहाँ पर देख लेते हैं। तो सैमसंग दोस्तों जो एम सीरीज़ है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैमसंग गलेक्सी M52 5G यहाँ पर 25,999 का आपको देखने को मिलता है, जो कि अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है कल या परसों। तो इसमें आपको जो 1,000 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिलेगा कूपन के थ्रू, वो आप अलग से लगा सकते हो। बाकी दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको 5G फ़ोन लेना है तो सैमसंग का भी मत लीजिए, इसके प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छे अदर स्मार्टफोन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी इसकी अगर हम कुछ खास बात करें तो मुझे कुछ इतना खास लगा नहीं है। हाँ बस जिसका चिप सेट है दोस्तों वो अच्छा है, एंड बैटरी एंड डिस्प्ले भी इसकी अगर आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है, उतना ज़्यादा खास इस फ़ोन में मैं बताऊँगा कि ज़्यादा है नहीं है, बस परफॉर्मेंस आपको ठीक देखने को मिल जाती है। बाकी अच्छी डील्स दोस्तों इसके बाद स्टार्ट होती है सैमसंग गलेक्सी M32 5G, जो कि आपको 16,000 रुपये में देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छी डील है। एंड दोस्तों सैमसंग गलेक्सी M12 जो कि 9,500 रुपये में है, ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छी डील है। एंड सैमसंग गलेक्सी M32 सबसे अच्छी डील दोस्तों यही है, सैमसंग गलेक्सी M32 12,000 रुपये में, एंड 12,500 अगर आपके पास कूपन नहीं है तो भाई 12,500 रुपये में सच्चा फ़ोन या 12,000 रुपये में सैमसंग की ओर से कोई भी नहीं है। एंड सैमसंग गलेक्सी M21 2021 एडिशन अगर आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं है, थोड़ा बहुत प्रोसेसर का यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। बाकी आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले तो दोनों में दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। बाकी सैमसंग गलेक्सी M51 20,000 का है तो इस पर भी ज़्यादा डिस्काउंट देखने को आपको नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर उसके बाद आप देख सकते हैं ओप्पो की डील्स आपको देखने को मिलेगी, जिसमें ओप्पो F19 Pro मुझे एक काफ़ी अच्छी डील लगी क्योंकि इसके स्पेक्स भी इन बाकियों से तो अच्छी है एंड प्राइस भी ठीक है। बाकी वीवो की तो दोस्तों बजट में कोई अच्छा स्मार्टफोन है नहीं है, अगर आपके पास 18-19 हज़ार रुपये है तो आप यहाँ पर रेडमी नोट 10 Pro Max की ओर जाइए, वो आपको यहाँ पर बेटर ऑप्शन दे देगा। बाकी दोस्तों बात करें और यहाँ पर डील्स की, तो ये काफ़ी पहले ही यहाँ पर बिल्ड हो चुकी थी जो टेक्नो के फ़ोन्स है। बाकी जैसे Redmi Note 10S की डील्स यहाँ पर कल रिवील हो जाएगी तो इसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊँगा ज़रूर से। एंड दोस्तों Flipkart पर भी कल यहाँ पर MI की जो नोट सीरीज़ है उसकी डील्स यहाँ पर, या Redmi सीरीज़ है उसकी डील्स भी रिवील हो जाएगी, तो दोनों के ऊपर दोस्तों वीडियो मिल जाएगी। एंड आपको कौन सा किस बजट में फ़ोन लेना चाहिए वो वीडियो भी मैं आपको जल्द लेकर आऊँगा, जैसे कि यहाँ पर Redmi और Realme के सारे ऑफर्स निकल आते हैं उसी टाइम पर मैं सैमसंग और Redmi और Realme को यहाँ पर कंपेयर करके बताऊँगा कि कौन सा फ़ोन आपको कौन सी प्राइस रेंज में लेना चाहिए। तब के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।